ओके सर, तो बात करते हैं सीक्रेट इन्वेजन के लास्ट सेकेंड एपिसोड के बारे में। इसके बाद जस्ट एक एपिसोड और बचा है, बोले तो ग्रैंड फिनाले। और अभी तक ना सीरीज एकदम ठीक जा रही है, लाइक बहुत ज़्यादा ऑसम नहीं और बहुत ज़्यादा बेकार नहीं, काइंड ऑफ ठीक ठाक है। क्योंकि सीरीज स्टार्ट अच्छी हुई थी और वैसे की ही वैसी ही रही, ना ही ज़्यादा कुछ इम्प्रूव हुआ और ना ही ज़्यादा कुछ डिप्रूव हुआ, यू नो व्हाट आई मीन। और स्टोरी भी साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट अभी एक एपिसोड और बचा हुआ है एंड वी नेवर नो कि क्या हो सकता है। वेल, अभी बात करते हैं इसी सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 5 के बारे में डिटेल में। और अगेन बहुत छोटा सा एपिसोड था ये, बट अगेन कोई बात नहीं। एंड पहले ही जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दुआ लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है एग्जैक्टली वहीं से जहां पर ये एंड हुआ था। अपन ने देखा था लास्ट वीक की काफ़ी फाइट हुई थी स्कर्ल्स एंड फ्यूरी के बीच, जिसमें प्रेसिडेंट के काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था और हम सबका बिलवर टैलोस ये RIP हो गया था, सैड। तो अब निक फ्यूरी अकेला प्रेसिडेंट को लेके हॉस्पिटल आता है उसके इलाज के लिए, और बाहरी चौकीदारी करने लगता है क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया होता है कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है। इसका वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड टैलोस वो भी मर चुका होता है, और प्रिसेला की तो अलग ही जान खतरे में होती है। बट फिर यहाँ पर ग्रेवी को दिखाते हैं जिसका मिशन अगेन फेल हो गया होता है। एक्चुअली एक साथ इसके दो मिशन फेल हो गए होते हैं, पहले इसको प्रेसिडेंट को मारना था तो वो भी नहीं मरा, बच गया, और सेकंड इसको वॉर में लग रहा था कि निक फ्यूरी मर गया होगा क्योंकि इसने ऑलरेडी वेरा को ऑर्डर दिया था फ्यूरी को मारने के लिए, बट उसने ऐसा नहीं किया था, पार्टी बदल ली थी। तो इस वजह से ग्रेवी के बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और इसने टैलोस को तो मारा था बट उससे इसको कोई मतलब नहीं था, वो मिशन के बीच में आ गया था लेकिन मिशन स्टिल फेल हुआ था। और यहाँ पर पैगोन ग्रेविक का सेनापति ये ग्रेविक पे ही चिल्लाने लगता है कि सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से ही हुआ है। और एक बात बोलता है नोट करने वाली कि फ्यूरी ने कभी तुम पे भरोसा नहीं किया तो हमको भी नहीं करना चाहिए। बट ये सुनते ही ग्रेविक के बहुत गुस्सा हो जाता है और पैगोन को जान से मार डालता है अपनी पावर्स का यूज करके। अब ये लाइन तो बहुत छोटी सी लग रही होगी बट इसमें काफी राज छुपे हुए हैं कि आखिर क्यों फ्यूरी ग्रेविक पे भरोसा नहीं करता था। इनके बीच में कुछ राज तो है जो शायद अभी हमें नहीं पता। और फ्यूरी ने एक जगह यह भी बोला था कि ग्रेविक वाला मैटर ये इसके लिए पर्सनल मैटर है, तो मे बी लास्ट जो एपिसोड बचा हुआ है उसमें अपने को इनकी बैक स्टोरी पता चले, जहाँ साथ में देखने को मिलेंगे। खैर, यहाँ पर ये अपने स्क्रल्स को वेरा को मारने के लिए भेज देता है उसके घर में क्योंकि उसने वही दगाबाजी करी होती है। और इसके बाद अपन आते हैं इम्पोस्टर पे, बोले तो स्क्रल पे, रोडी पे। फैंस ने इसको नया नेम दे दिया, स्क्रोडी। लोल। तो ये पहले कॉल पे ग्रेविक से बात करता है जहाँ ग्रेविक ये प्लान्स में थोड़े चेंजेस लाता है। ये रोडी को ऑर्डर देता है कि प्रेसिडेंट को जाके बता दो कि स्क्रल्स शेप शिफ्टर्स ये रियल हैं और हमारे बीच में फैले हुए हैं ह्यूमंस के बीच में, लेकिन मेनली स्क्रल्स रशिया के साथ काम कर रहे हैं, वही अमेरिकन वर्सेस रशिया वाले मेन प्लान में। पहले इसका सिंपल प्लान था कि सब कुछ छुपा के रखना है, मतलब अपनी मेन एलियंस वाली आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है। बट अभी ग्रेविक इस चीज़ को चेंज कर देता है, हालांकि इसका मेन प्लान चेंज नहीं होता, बोले तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करने वाला है और ये स्टिल रशिया को फ्रेम कर रहा होता है हर एक चीज़ के लिए ताकि वही वॉर स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में स्क्रोडी आता है अपने प्रेसिडेंट साहब से मिलने, बट ऑब्वियसली इसके रास्ते में फ्यूरी आ जाता है, इसको रोक लेता है और वो इसे बता भी देता है इस पॉइंट पे कि वो जानता है कि एक स्क्रल है, तभी इसको प्रेसिडेंट के आसपास भी नहीं जाने देगा। बट याद होगा रोडी के पास अपर हैंड होता है, लास्ट एपिसोड में ही इसने ब्लैकमेल किया था फ्यूरी को एक क्लिप दिखा के जिसमें फ्यूरी फेक फ्यूरी ये मारिया हिल को मार रहा था। तो अब ये उस क्लिप को रिलीज कर देता है पब्लिक में, जिससे ऑब्वियसली पूरी दुनिया में फ्यूरी मोस्ट वांटेड बंदा बन जाता है और ऑब्वियसली साथ में इसकी अच्छी खासी रेपुटेशन का भी बाप भाई हो जाता है। तो इसको यहाँ से मजबूरी में जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, और ये बोलते हुए जाता है कि ग्रेविक से मिलेगा। और इसी के आगे एक सीन में अपने को दिखाते हैं कि स्क्रोडी ये प्रेसिडेंट को अपनी बातों में फंसा रहा होता है, वही सब चीज़ बता के कि स्क्रल्स रशिया के साथ मिले हुए हैं और वो US पे अटैक करना चाहते हैं। बेसिकली ये प्रेसिडेंट को भड़का रहा होता है ताकि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो। अब ये तो लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि आखिर प्रेसिडेंट का एक्चुअल डिसीजन क्या होगा, यहाँ पर तो अभी नहीं दिखाया गया कुछ। वेल, इसके बाद दिखाते हैं एंट्रो और फिर अपन जाते हैं UK लंदन। यहाँ पर एजेंट सोनिया ये जाती है अपने बॉस से मिलने जो कि न्यूज़ देख रहा होता है निक फ्यूरी वाली और लास्ट वर्ष जो हुआ था वो वाली भी। यहाँ पर अपने को ये पता चल गया था कि स्कल्स के हमारे बीच होने वाली न्यूज़ ये भी पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। और फिर सोनिया ये अपने ही बॉस को शूट कर देती है क्योंकि इसको पता होता है वो भी एक स्क्रल ही है, पर्पल ब्लड होता है उसका। ये इससे सिर्फ ये पता करने के लिए आई थी कि वो साइंटिस्ट डॉक्टर डाल्टन्स वो कहाँ पर है। याद होगा तो डॉक्टर रोजा डाल्टन, इस नेम के बारे में से एक स्क्रल से पता चला था उसको टॉर्चर करने पे। सो एड्रेस पता करने के बाद ये सीधे जाती है उन्हीं लोगों से मिलने, उन्हीं साइंटिस्ट के पास, डॉक्टर रोजा एंड विक्टर डाल्टन्स। ये दोनों ही स्क्रल्स होते हैं बाय द वे, असली वाले डॉक्टर्स वो कैद होते हैं बाकी ह्यूमंस के साथ, ये दिखाया भी गया था अपने को। सो सोनिया इनसे सिंपली एक ही चीज़ पूछती है उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जिससे सुपर स्क्रल्स क्रिएट होते हैं, वो बड़ी सी मशीन और DNA का यूज़ करके, और इनका पूरा घर या फिर लैब जो भी था ये पूरा जला देती है। बट तभी विक्टर ये रोजा को मारने की धमकी देता है, उसको गन पॉइंट पे रख लेता है। इसका कहना था कि भले ही इनकी जान चली जाए बट ये ग्रेविक को बिट्रे नहीं करेंगे,
लेकिन तभी बिना किसी डाउट के सोनिया ही विक्टर का भेजा उड़ा देती है। और यहाँ पर डॉक्टर रोजा ये काफी ज्यादा शॉक्ड होती है देख के, मे बी मल्टीपल रीजंस की वजह से। प्रोबेबली इसने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि इसी का पार्टनर, स्क्रल वाला पार्टनर, ये इसको मारने का ट्राई करेगा। आई मीन इसका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था। और अब सोचने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर अब खाली रोजा ही बची है, तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसी डिटेल्स बता दे सोनिया को जो इस पूरे फैले हुए रायते को बटोरने में हेल्प करे। लाइक इसको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब पता होता है, आई मीन इसी ने इसको बनाया होता है, वो मशीन बनाई होती है, तो मे भी इसको कोई वीकनेस या फिर कोई वीक पॉइंट पता हो सुपर स्क्रल्स के बारे में जिससे उनको रोका जा सके। तो ये स्क्रल एक बड़ा पॉइंट बन सकती है इस पूरी स्टोरी में, बट जो भी हो नेक्स्ट वीक पता चलेगा। अब वापस आते हैं ग्रेविक पे, तो यहाँ काफ़ी सरप्राइजिंग मोमेंट देखने को मिलता है कि ग्रेविक के ही साथी, बोले तो बाकी स्क्रल्स, वो सब इसी के ही अगेंस्ट हो जाते हैं और इस पे ही अटैक कर देते हैं। छोटा मोटा अटैक नहीं, मारने का ट्राई कर रहे थे। मे बी ये सब पैगॉन के लास्ट लाइन से इंस्पायर्ड हो गए होंगे कि फ्यूरी जब तुम पे भरोसा नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। और साथ ही में एक बड़ी नॉर्मल भी चीज़ है कि ग्रेविक किसके एक्शन से बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो रहे होते हैं। पहले तो ये सिर्फ ह्यूमंस का एनमी था, बट अब धीरे धीरे करके ये अपने ही लोगों को मार रहा होता है, जैसे पहले टाइलोस, गाया एंड अ पैगॉन। और पैगॉन तो इवन इसका सबसे क्लोज बंदा था, राइट हैंड था इसका, उसी से ये सारे काम करवाता था और एट द एंड उसी को मार डाला। तो इस चीज़ से ऑब्वियसली बाकी स्कल्स डर गए होंगे। उनके मन में एक ही क्वेश्चन हुआ कि ये बंदा आखिर क्या क्या और कर सकता है। तभी उन सब ने साथ में अटैक किया, लेकिन ये एक सुपर स्कल होता है तो अपनी पावर्स का यूज़ करके सबको झुका देता है अपने सामने। इवन लास्ट में गेटो स्क्रल इसको भी जान से मार डालता है बेरहमी से, अपना खौफ दिखाने के लिए। इस सीन से इतना क्लियर हो जाता है कि सभी स्कल्स बुरे नहीं हैं। टू बी ऑनेस्ट मोस्टली स्कल्स बुरे नहीं हैं। टैलोस तभी बोला करता था कि हम ह्यूमंस के बीच में रह सकते हैं हंसी खुशी, तो अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ। लेकिन तभी निक फ्यूरी की लाइन याद आ जाती है कि ह्यूमंस ह्यूमंस के साथ रह नहीं पा रहा, एलियंस के साथ क्या ही रहेगा। बहुत सॉलिड लाइन थी वो। एनीवे, इसके बाद दिखाते हैं फ्यूरी को जो मिलने जाता है गाया से। एंड आई थिंक यहाँ पर कुछ सीन्स रिमूव किए गए हैं जानबूझ के, क्योंकि एक ट्रेलर में एक सीन था, एक जगह थी जहाँ पर अपन ने गाया को देखा था, हल्की सी झलक थी इसकी, जहाँ पर ये रो रही थी किसी की बॉडी के ऊपर। मुझे लग रहा था कि ये टैलोस की बॉडी थी इसके फादर की, तभी ये रो रही थी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया। हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में देखने को मिले और या फिर सीन को हटा दिया गया हो, क्योंकि गाया यहाँ पर सिंपली बैठी होती है। इसको पता होता है कि इसके फादर की मौत हो चुकी है और ये एंग्री भी होती है, सेम टाइम में सैड भी बहुत होती है, और ये बोलती है कि इसको लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा इसके फादर के साथ। हालांकि फ्यूरी के हिसाब से टैलोस हीरो होता है, जो कि सच भी है। उसने अपने आखिरी मोमेंट तक फाइट करी थी और एक ह्यूमन की जान बचाने का ट्राई किया था, और बोल सकते हो कि सिर्फ टैलोस की वजह से ही प्रेसिडेंट साहब अभी जिंदा हैं। खैर, गाया यहाँ पर ग्रेविक के सारे राज बता देती है फ्यूरी को, वो डीएनए के बारे में और सुपर स्कल्स पावर्स के बारे में, बट ये बोलती है कि उसको वो नहीं मिला जो वो एक्चुअली में ढूंढना चाह रहा था, जिसकी उसको तलाश थी, द हार्वेस्ट। ये भी बेसिकली डीएनए होता है बट एवेंजर्स का, जिस पर अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल फ्यूरी ये गाया को अपनी गाड़ी की चाबी देता है जिसमें टैलोस की बॉडी होती है। गाया को आगे दिखाते भी है कि ये जाती है फ्यूरी के घर, आई मीन प्रेसेला के घर, क्योंकि फ्यूरी ने ही से बोला था कि प्रेसेला तुम्हारी हेल्प करेगी टैलोस के क्रिमेशन में, तो इसलिए प्रेसेला से मिलती है और ये दोनों पूरे रिचुअल्स एंड फुल प्रेयर्स के साथ उसकी बॉडी को जलाते हैं। काफ़ी सैड मोमेंट था ये। बट इसके बाद जब ये घर में आते हैं, बातें शातें करते हैं, एंड मोस्टली ये फ्यूरी के बारे में ही बतिया रहे होते हैं, उसकी और प्रेसेला के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। आई मीन दो अकेली वुमेंस और क्या ही बात करेंगी, सॉरी। लेकिन तभी इन पे बाकी स्क्रल्स अटैक कर देते हैं। ग्रेविक ने ऑर्डर दिया था वैरा को मारने का, इसलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा था। बेसिकली गन फाइट थी और लास्ट में ये दोनों सबको मार भी देते हैं, मतलब दोनों को ही कुछ नहीं होता। हालांकि मैं वेट कर रहा था कि गाया अपनी एक्सट्रीमिस्ट वाली पावर्स का यूज़ करे, बट ऐसा नहीं हुआ, इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मे बी बजट कम होगा सीरीज का इस वजह से। इसके बाद आती है इस एपिसोड की एंडिंग, इसमें अपने को काफ़ी रेफरेंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है एक कैमियो जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फ्यूरी एक प्राइवेट जेट में जाता है जिसके अंदर इससे एक बंदा मिलने आता है। बेसिकली इस बंदे ने ही प्राइवेट जेट अरेंज किया था और कुछ गैजेट्स वगैरह भी देता है फ्यूरी को। ये कैमियो किसी ने एक्सपेक्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि किसी को याद ही नहीं है कि ये ससुरा कौन है। ये होता है रिक मेसन। इसको अपने को ब्लैक विडो मूवी में दिखाया गया था फर्स्ट एंड फॉर द लास्ट टाइम। एक छोटा सा साइड कैरेक्टर था ये, मेनली नताशा की हेल्प करता था ये, उसको सर्विसेज एंड चीज़ें प्रोवाइड करता था। वहाँ से इतना क्लियर हो गया था कि ये बंदा काफ़ी रिसोर्सफुल है, जो चीज़ इस एपिसोड में आके प्रूफ भी हो गई। प्राइवेट जेट एंड सप्लाईज वगैरह लाना बड़ी बात होती है, बट गुड टू नो कि अभी भी एमसीयू का हिस्सा है और काम आ रहा है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं वैसे, इसके जगह लोग और अच्छे कैमियोज एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे सीरीज लॉन्च होने से पहले ही लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये सीरीज सीक्रेट इन्वेजन ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मार्वल्स की बाकी सीरीज से कनेक्शन क्रिएट करने में, लाइक मार्वल्स एजेंट्स ऑफ शील्ड, जेसिका जोन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने को कैमियो के नेम पे ऐसा बंदा दिखाया जो किसी को याद ही नहीं है, ब्रा।
कोई ना, फिर दिखाते हैं फ्यूरी को ये विडोज वेल का यूज़ करता है। ये एक डिवाइस होता है जिससे फेस चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी और फेस में। इसका नेम तो यहाँ पर पहली बार सुना अपन ने, विडोज वेल। हालांकि इसको देख अपन बहुत बार चुके हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स में, जैसे कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में, ब्लैक विडो में, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर एंड लास्ट में एजेंट्स ऑफ शील्ड। और इसका नेम विडोज वेल इसलिए रखा होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक विडो ही इसका यूज़ करती थी, दैट्स वाई विडोज वेल। एंड फ्यूरी का यहाँ पर कहना ये भी था कि इसका अपडेटेड वर्जन भी है इनके पास, जो सिर्फ फेस नहीं बल्कि पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बेसिकली स्क्रॉल वाली पावर होती है बस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और फ्यूरी की ये बात सुनकर समझ में आ जाता है कि ये ऑब्वियसली अपने को एमसीयू के फ्यूचर में देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली नताशा की छोटी बहन येलेना इसको यूज़ करेगी क्योंकि वही नेक्स्ट ब्लैक विडो है, जो कि आई थिंक नेक्स्ट थंडरबोल्ट मूवी में देखने को मिलेगी। वेल, यहाँ पर फ्यूरी सोनिया से मिलता है और इसको सारी न्यू खबर दे देता है, जैसे टैलोस RIP हो गया, रोडी एक स्क्रल है और देश संकट में है। सोनिया को सब पता होता है, बस ये नहीं पता होता कि रोडी एक स्क्रल है। ये काफ़ी शॉक होती है सुनके। और फिर ये दोनों जाते हैं एक जगह पे जहाँ पर फ्यूरी की ही ग्रेव होती है, निकोलस केज करके। याद होगा एक टाइम पे फ्यूरी ने अपनी फेक डेथ दिखाई थी, आई थिंक विंटर सोल्जर के टाइम, तो उस टाइम पे ग्रेव बनी थी। लेकिन यहाँ छुपे होते हैं कई राज, जैसे सबसे पहले वो हार्वेस्ट DNA जिसके पीछे ग्रेविक पड़ा होता है, तो वो यहीं पर होता है। फ्यूरी ने छुपा के रखा था इसको अपनी ही ग्रेव में और किसी को भी बताया नहीं था, तभी अभी तक ग्रेविक इसको ढूंढ नहीं पाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि हार्वेस्ट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें होता है एवेंजर्स का DNA। फ्यूरी सारे राज खोलता है यहाँ। जब एवेंजर्स एंडगेम का फाइनल वॉर हुआ था, जो कि याद होगा अपनी अर्थ पे ही हुआ था, फुल बैटल हुई थी, तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी हीरोज इंजर्ड हुए थे, जिस वजह से उनका ब्लड वगैरह यहाँ वहाँ फैल गया होगा। तो वॉर के बाद फ्यूरी ने यहाँ पर अपनी टीम भेजी थी, जो कि स्कल्स की ही थी, जिसमें ग्रेविक भी शामिल था, क्योंकि पहले स्कल्स फ्यूरी के साथ ही काम करते थे। तो फ्यूरी ने उन सबको DNA रिट्रीव करने के लिए ही भेजा था और उन DNAs को स्टोर करके रख लिया था, और यही मेन चीज़ थी जिससे ये पूरा स्क्रल वॉर स्टार्ट हुआ। क्योंकि फ्यूरी के जाने के बाद ग्रेविक इविल हो गया और इसने उन्हीं DNA से सुपर स्कल्स बना दिए। इसको सभी DNAs की लोकेशन पता थी, बस उस हार्वेस्ट की लोकेशन नहीं पता थी, वो फ्यूरी ने हिडन रखी थी। अब सवाल यही आता है कि आखिर फ्यूरी ने ऐसा किया क्यों था। I mean, अगर इसने DNA सैंपल्स इकट्ठा किए भी थे एवेंजर्स से, तो उनको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया था, क्योंकि बहुत बड़ी डील होती है ये। इवन फ्यूरी ने यह भी बताया था कि इनको कैरोल डेनवर्स AKA कैप्टन मार्वल का भी DNA सैंपल मिला था, तो समझ जाओ कितना डेंजरस होता ये अगर ग्रेविक को वो हार्वेस्ट पहले ही मिल जाता, अभी तक तो दुनिया के बल्ले बल्ले हो चुके होते हैं। अब इस चीज़ का आंसर अपने को एपिसोड 5 में नहीं दिया गया, बट ये तो पक्का है कि इस चीज़ के पीछे फ्यूरी का कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। मे बी हो सकता है कि जस्ट एज अ बैकअप की तरह इसने DNA को स्टोर करके रखा हो, क्योंकि फ्यूरी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो थैनोस जैसे थ्रेट अर्थ पे आ गए थे, जिनसे सुपर हीरोज के अलावा और कोई लड़ भी नहीं सकता था। तो अगर फ्यूचर में ऐसे ही और थ्रेट्स आ गए और अपने को और हीरोज की जरूरत पड़ी, तो फ्यूरी कुछ कर सकता है DNAs का, शायद ऐसा ही कुछ प्लान होगा इसका, मेरे ओपिनियन से। पहले इसी एपिसोड में अगेन वो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्यूरी से कि एवेंजर्स की हेल्प क्यों नहीं ले रहे तुम। फर्स्ट टाइम रोडी ने सवाल पूछा था, लेकिन अभी सोनिया पूछती है। तो एक्चुअली में फ्यूरी का आंसर भी यहाँ पर चेंज हो गया होता है। इसका कहना होता है कि इसकी खुद की फाइट है, क्योंकि सारा रायता इसी ने फैलाया है, तो ये किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता इसमें। बातें तो इसने और लंबी लंबी करी थी, बट शॉर्ट में मैंने बता दिया। ये आंसर इसका काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है इस मोमेंट पे, क्योंकि भाई सोचो यहाँ पर इतने सारे मिलियंस में स्क्रल्स हैं, तो वे अकेला बंदा जिसके पास सिर्फ एक आंख है दुनिया को कैसे बचा पाएगा। ये खुद मारिया हिल एंड टैलोस को तो बचा नहीं पाया। मैं यहाँ निक फ्यूरी को हल्के में तो नहीं ले रहा, किसी को लेना भी नहीं चाहिए, ही इज निक फ्यूरी, बट स्टिल ये एक जस्ट अ ह्यूमन है, इसको किसी ना किसी की तो हेल्प चाहिए ही। और मुझे नहीं लगता कि इसको किसी सुपर हीरो फ्रेंड की हेल्प लेने में शर्म भी आनी चाहिए। I mean, जैसा ये ज्ञान बांट रहा था पहले कि इसके अकेले की फाइट है, ब्ला ब्ला ब्ला, लास्ट टाइम वाला आंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और लेजिट भी था। वहाँ इसने बोला था कि अगर ये सुपर हीरो से हेल्प लेंगे तो स्क्रल्स उसका गलत फ़ायदा उठा सकते, जो कि लॉजिकली सही चीज़ है क्योंकि यहाँ पर शेप शिफ्टर्स हैं। बट अभी इसका आंसर बहुत गलत होता है, अगेन मेरे ओपिनियन में। एनीवे, इसके बाद ये फ्यूरी अंदर एक सीक्रेट प्लेस में जाता है, जहाँ ये अपना आइकॉनिक कोट पहनता है और आइकॉनिक आई पैच वापस से लगा लेता है। सिंपली दिखा रहा होता है कि ओल्ड निक फ्यूरी इज बैक इन बिजनेस। काफ़ी डोप सीन था ये। और ये कॉल भी करता है किसी को और बोलता है कि इट्स टाइम, लेट्स फिनिश दिस। अब ये तो पता नहीं कि इसने किसको कॉल करी थी। कुछ बोल रहे हैं कि ग्रेविक को, मेरे हिसाब से भी हाँ ग्रेविक को ही करी होगी, बट कुछ इंटरनेट के विद्वानों के हिसाब से कोई जाना पहचाना चेहरा हो सकता है जिसको इसने कॉल करी, मतलब कोई कैमियो होगा, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। बजट इशू, स्टोरी इशूज़ और बहुत सारे इशूज़ हैं। वेल, जो भी होगा वो लास्ट एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, बोले तो ग्रैंड फिनाले में। और हो भी सकता है कि कोई कैमियो देखने को मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स मार्वल। हालांकि मैं अपनी थ्योरी अगर बताऊं तो इतना समझ लो कि स्टोरी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। हो सकता है कि ग्रेविक मर जाए, ही इज़ अ विलन आफ्टर ऑल, बट न्यू प्लैनेट न्यू होम वाला सीन या फिर कोई और मिस्ट्री हो सकती है जो बची हो। कुछ तो पक्का ज़रूर छोड़ेंगे ये, क्योंकि इसके बाद सीधे नवंबर में आएगी दी मार्वल्स मूवी, जिसकी एक फोटो रिलीज हुई अभी, जिसको देख के पता चला कि उसमें भी स्क्रल्स हैं। तो हो सकता है कि इसकी बची हुई स्टोरी कंटिन्यू हो जाके उस मार्वल्स मूवी में। कुछ कन्फर्म नहीं है वैसे, इट्स जस्ट माई थ्योरी। ऑल द टू बी ऑनेस्ट, मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ आने वाली एंडिंग के लिए।
मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, सच बताओ तो मैं किसी भी मार्वल मूवी या सीरीज से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो डायलॉग याद होगा कि अगर कोई एक्सपेक्टेशन ही ना रखो तो कोई डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगी, यही मेरा मोटो है। तो इस वजह से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, कोई कैमियोज आए, कोई बड़ा कांड हो, आई डोंट केयर, मुझे बस इसकी एंडिंग देखनी है। मुझे ये देखना है कि आखिर इसकी स्टोरी कैसे रैप अप करेंगे ये लोग, क्योंकि ग्रेविक एंड स्कल्स वाला थ्रेट ये काफ़ी बड़ा है, इसको लोग मजाक की तरह समझ रहे हैं, पर ध्यान से सोचो तो ये मजाक नहीं है। तो बस मैं इसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, और मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आप एक्साइटेड हो कि नहीं मेरी तरह। वेल, इस वीडियो के लिए इतना ही, एपिसोड में और कुछ नहीं था, टोल्ड यू काफ़ी छोटा सा था। सो यहाँ पर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अगर कुछ भी पसंद आ गया हो, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। कितने प्यार से बोला यार मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।